सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप क्लास नाइन्थ में हैं, टेंथ में हैं या फिर आप इलेवंथ में हैं, तो आज का टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे बहुत ही बारीकी से बहुत ही बेसिक चीज़ें, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ठीक है, चाल तथा वेग में अंतर, वेग संवेग और आवेग में क्या अंतर है, मतलब जितने भी सारे सिमिलर्स जो है भौतिक राशियां हैं और सिमिलर्स उनके मूल मात्रक हैं, उनके बीच का डिफरेंट समझेंगे हम लोग कि कैसे वो है, वो उससे अलग हो जाता है और क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जो है दूरी तथा विस्थापन से। आपने बहुत सुना होगा कि जो दूरी होती है वो विस्थापन एकदम बिल्कुल सिमिलर होते हैं, मतलब जो दूरी हम रास्ता तय करते हैं उसकी लंबाई को दूरी भी कहते हैं और उसके लंबाई को विस्थापन भी कहते हैं। बट ये कैसे हो सकता है कि मतलब एक ही परिभाषा को दो चीज कैसे कह सकते हैं? देखिए यहाँ पर दोनों में बहुत ही डिफरेंट है, अगर हम लोग माने, और अगर माने तो डिफरेंट कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी की परिभाषा की, यानी पॉइंट नंबर वन, ठीक है। तो दूरी वो होती है जो आप चलते हैं, ठीक है, जो मार्ग जिस मार्ग पर जिस पथ पर आप चलते हैं, ठीक है, और जहां तक आप चलते हैं किसी निश्चित बिंदु से जहां तक आप चले, ठीक है, उसी पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसका जो है थ्योरी देखें, मतलब एक्चुअल में परिभाषा देखें, तो परिभाषा होती है कि किसी निश्चित बिंदु से किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहती है, ठीक है। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक निश्चित बिंदु है ये वाला, ठीक है, और आपने इस निश्चित बिंदु से चलना स्टार्ट किया, और मान लीजिए आपको यहाँ पर जाना, ये आपका घर है, यानी कि आपका ये क्या है, होम है, और ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका क्या, स्कूल होगा। अभी आपका जो घर से स्कूल का रास्ता जाता है वो कुछ इस तरह से जाता है, पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ पर आकर फिर यहाँ पर आप कुछ इस तरह से आए, ठीक है। तो आपने बिंदु ए से स्टार्ट किया और बिंदु यहाँ पर ये बी मान लीजिए, ठीक है, बी पर गए, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की कितनी जितनी भी आपकी पथ की लंबाई हो गई वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो गई। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका जो ये वाला रास्ता है वो टोटल कितना लंबा है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लगभग ये है 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर, यानी आपके घर से आपका स्कूल 5 किलोमीटर। बट यहाँ पर विस्थापन क्या है, ठीक है, ये तो हो गया दूरी का परिभाषा, ठीक है, पॉइंट नंबर वन की बात कर रहे हैं, ये दूरी हो गया। अब हम बात करते हैं विस्थापन, विस्थापन क्या चीज होती है, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर भी एक बिंदु है ये और यहाँ पर भी एक बिंदु है बी, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु ऐसे आया ऐसे गया, ठीक है, ये दूरी हो गया। अब ये जो विस्थापन कह रहा है ना कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम दूरी, ठीक है, वो आपका विस्थापन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये तो दूरी हो गया, बट अगर ये सीधे जाएगा, विस्थापन क्या कह रहा है कि हम यहाँ से यहाँ डायरेक्टली जाएंगे। अब देखिए मान लीजिए आपके घर से आपका स्कूल का रास्ता ऐसे 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 गया, ठीक है, बीच में खेत हैं, बहुत सारी चीजें, दीवारें हैं, ठीक है, तो दूरी तो ये कह रहा है कि भैया मैं रास्ते से जाऊंगा, ठीक है, कुछ भी होता है, बट विस्थापन क्या कहता है, मैं सीधे जाऊंगा, ठीक है, मैं सीधे जाऊंगा, जो भी आएगा उसको चीरता फाड़ता आगे चला जाऊंगा, ठीक है। विस्थापन का मतलब ये यही कहता है कि मैं सीधा जाऊंगा चाहे जो होता है, मतलब रास्ते में चाहे जो बाधाएं आए मैं एकदम सीधा जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो गया, आपका विस्थापन हो गया, और दो बिंदुओं की न्यूनतम बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो गया, आपका विस्थापन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है, एक अंतर तो आपको ये पता चल गया, ठीक है, कि यहाँ पर दूरी में मैक्सिमम दूरी होती है, ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा नॉर्मली थोड़ा आसानी भाषा में बताऊं तो दूरी क्या होती है, वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम पथ की लंबाई दूरी कहलाती है और मिनिमम पथ की लंबाई विस्थापन कहलाती है, ठीक है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो दूरी होगी, ठीक है, क्या होगी, दूरी होगी वो अदिश राशि होगी, क्या होगी, अदिश राशि, ठीक है, और आपका जो विस्थापन होगा वो सदिश राशि होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सदिश राशि होगा, ठीक है। देखिए ये अदिश राशि और ये सदिश राशि क्यों और कैसे हो गया, देखिए जब आपने दूरी चलना स्टार्ट किया तो आप में क्या हुआ कि दिशा हमेशा बदल रही है, यानी कि पहले आप इस दिशा में जा रहे थे, यहाँ तक आप इस दिशा में गए, मान लीजिए इस दिशा में गए, फिर आपने क्या किया, अचानक से आपका रास्ता, आपके रास्ते का दिशा चेंज हो गया, ठीक है, यहाँ से फिर इधर आ गया, फिर यहाँ से इधर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ पे मुड़ गया, ठीक है, इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे फिर से आपकी दिशा चेंज हो रही है, फिर यहाँ पे दिशा, मतलब पॉइंट पॉइंट पे आपकी दिशा क्या हो रही, चेंज हो रही, इसलिए क्या होगी, ये अदिश राशि। बट विस्थापन क्या कह रहा है कि नहीं भी हम तो सीधे जाएंगे, तो यहाँ पर जो विस्थापन जो होगा उसमें दिशा चेंज नहीं होगा, वो एक दिशा से डायरेक्टली दूसरी दिशा में जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका होम है और यहाँ पर आपका स्कूल है, रास्ता ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा ये कर देते हैं, मतलब ऐसे है, ठीक है, ऐसा रास्ता, तो यहाँ पर पहले दिशा ये थी, तो बाद में ये होगी, फिर बाद में थोड़ा नीचे हो गया, है ना, ये दूरी हो गया। बट यहाँ पर विस्थापन क्या कह रहा है कि ऐसे जाएंगे हम सीधे, मतलब सीधे जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि विस्थापन में हमें दूरी, मतलब सॉरी, विस्थापन में हमें दिशा भी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया अदिश राशि इसीलिए, और ये हो गया सदिश राशि। तो उम्मीद है कि आपको दूरी और विस्थापन में अंतर पता चल गया होगा। चलिए देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ए है, ठीक है, और उस बिंदु के बीच के ए बी है, मतलब कोई बिंदु ए और बी है, तो इनके बीच का जो दूरी है वो 300 मीटर है, ठीक है, ये क्या है,
300 मीटर, इनके दोनों के बीच की लंबाई क्या है, बीच की दूरी क्या है 300 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु जो है कोई व्यक्ति है ये पर जा रहा है, यानी कि ये से स्टार्ट करता है बिंदु बी पर जाता है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं बिंदु बी से बिंदु ए की ओर आता है 100 मीटर, ठीक है। यहाँ पर बिंदु सी है और यहाँ पर आ गया 100 मीटर। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि जो व्यक्ति था वो कितना दूरी तय किया, उसने कितना दूरी तय की। जैसे मान लीजिए मैं हूँ यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो हमने 300 मीटर दूरी तय की। फिर वहां से मैं आता हूँ 100 मीटर, तो 300 एक 400 हो गया ना, यानी मैंने टोटल कितनी दूरी तय करी 400 मीटर, ठीक है, यानी 300 इधर और 100 इधर, तो 400 मीटर मैंने दूरी तय कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसका विस्थापन ज्ञात करेंगे, यानी कि विस्थापन S बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए S क्या मान क्या होगा, हमने कहा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पर बिंदु ये है और बिंदु ये, यानी कि यहाँ से ये वाला, देखिए बिंदु ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगी, ये टोटल है कितना 300, उसमें से हम लोग 100 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका विस्थापन 200 आ जाएगा ना। यहाँ पर आपका एस बराबर आ जाएगा 200 मीटर और यहाँ पर डी बराबर है डिस्टेंस बराबर आपका आ जाएगा 400 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूरी और विस्थापन में इतना ही अंतर है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति सर्कल पर घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई इसको ही हटा देते हैं, ये एक वृत्त है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और बिंदु यहाँ कोई बिंदु ये है और कोई बिंदु इस बिंदु से चलना प्रारंभ कर देता है और यहाँ से फिर यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ से फिर इसी जगह पर आ जाता है और यहाँ पर इस वृत्त का क्या हो जाएगा, दूरी 2πr हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको वृत्त का परिधि मालूम है 2π। अब यहाँ पर अगर हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति ये से चलता है फिर से ये पर आ जाता है वृत्ताकार पथ पर, तो उसका दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया दोस्तों 2πr हो गया और विस्थापन कितना हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0। अब यार देखो ना, मतलब यहीं से जाता है और यहीं बिंदु पर आ जाता है ना, जहां से हमने स्टार्ट किया वहीं पर आ गया, कोई दूसरा बिंदु तो है ही नहीं, तो क्या हो गया विस्थापन 0 हो गया। इस तरह से आपका ये सवाल ऐसे लग जाएगा, आपके क्लास 9th में अगर आप हैं तो इस तरह से आपको बहुत सारे सवाल मिलते हैं आप अपने बुक में।